अगर आप कॉपी राइटिंग से पैसा बनाना चाहते हैं और मिलीनियर बनना चाहते हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। वीडियो में मैं पता है आपको क्या बताने वाला हूँ। अगर आप कॉपी राइटर हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप एक एक्सपीरियंस कॉपी राइटर हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, एक्सपर्ट हैं और इससे ऊपर लेवल पर हैं, स्टिल दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी चीजें बताने लगा हूँ जो कि टोटली कॉपी राइटिंग अगर आप सीखना चाह रहे हैं आपको उसमें हेल्प करेगा, और अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तब भी हेल्प करेगा। सबसे पहले जो मैं जिस चीज पर बात करूंगा वो है व्हाट इज कॉपीराइटिंग। दूसरी चीज जिस पर मैं बात करूंगा वो है डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। तीसरी चीज जिस पर मैं बात करूंगा वो है टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग। और जो चौथी चीज जिस पर मैं बात करूंगा और जो आपकी सबसे फेवरेट है और आप लोग इसीलिए डरते हैं और कॉपीराइटिंग नहीं सीखते, वो है कैन कॉपीराइटिंग बी रिप्लेस बाय चैट जीपीटी। मोस्टली लोग ये पूछते हैं। पांचवी चीज जिस पर मैं बात करूंगा वो होगी स्कोप ऑफ कॉपीराइटिंग। और जो छठी चीज जिस पर मैं बात करूंगा वो है हाउ टू मेक मनी विद कॉपीराइटिंग। सो सबसे पहले जरा समझ लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली कॉपीराइटिंग। ये कॉपीराइटिंग है क्या? आई एम बेसिकली अ पायनियर ऑफ कॉपीराइटिंग इन पाकिस्तान। सो व्हाट इज कॉपीराइटिंग? कॉपीराइटिंग क्या है? सबसे पहले ये समझ लो, कॉपीराइटिंग को लोग कंफ्यूज करते हैं कॉपीराइट से, जो कि आर वाला राइट है, ठीक है, और जो लीगली जहां यूज करते हैं आप लोग कॉपीराइट्स। कॉपीराइटिंग बेसिकली इज व्हेन यू सेल योर स्टफ, योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, एनीथिंग विद योर वर्ड्स, विद द पावर ऑफ वर्ड्स। व्हेन यू मेक देम बाय, यानी कस्टमर्स को यू मेक देम बाय समथिंग विद हेल्प ऑफ योर वर्ड्स, इट कुड बी इन ईमेल मार्केटिंग, इट कुड बी इन एड्स, इट कुड बी इन लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपकी वॉइस ओवर, आपकी वीडियो स्क्रिप्ट, आपके थंबनेल्स, एनीथिंग जिसमें आप लिखाई के थ्रू बेचते हैं। व्हेन यू सेल विद वर्ड्स, ठीक है, व्हेन यू सेल विद वर्ड्स इट इज कॉल्ड कॉपीराइटिंग। जब अपने अल्फाज के थ्रू, लिखे हुए अल्फाज के थ्रू आप बेचते हो, वो कॉपीराइटिंग कहलाता है। अब दूसरा पता है आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइटिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग। देखो कॉपीराइटिंग और कॉन्टेंट राइटिंग में एक मेजर डिफरेंस क्या है, जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कॉन्टेंट राइटिंग इज मनी इन द फ्यूचर। अगेन आई विल रिपीट, कॉन्टेंट राइटिंग इज मनी इन द फ्यूचर एंड द कॉपी राइटिंग इज मनी ऑन द स्पॉट। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगा पहले कॉन्टेंट राइटिंग की। कॉन्टेंट राइटिंग क्या है? आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आप क्लाइंट और प्रोजेक्ट है वेबसाइट का ब्लॉग लिखना। आप ब्लॉग लिखते हैं उसके प्रोडक्ट के बारे में, आप लोगों को एजुकेट करते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू उसके प्रोडक्ट के बारे में, लोग आके पढ़ते हैं, फिर दूसरा एक ब्लॉग पढ़ते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं कंपैरिजन में, एंड दे कीप कमिंग टू योर ब्लॉग, और आपके ब्लॉग से पढ़ते हैं एंड दे एजुकेट देमसेल्फ, और फिर वो कुछ महीनों बाद जाके फैसला लेते हैं कि हमें आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बाय करनी है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेंट राइटिंग। सो क्या है, पहले मैंने क्या बोला था, मनी इन द फ्यूचर। ये है मनी इन द फ्यूचर। यू एजुकेट देम, यू राइट टू एजुकेट, यू डोंट राइट टू सेल। अब कॉपी राइटिंग इसके अगेंस्ट क्या है, और मैं क्यों कहता हूं मनी ऑन द स्पॉट है कॉपी राइटिंग, क्योंकि जब आप लिखते हो एक एड, एक सेल्स पेज लिखते हो, यू ट्राई टू सेल विद योर वर्ड्स ऑन द स्पॉट। लोग आते हैं, पढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं एंड दे बाय। दोनों में मैसिव डिफरेंस है। वहां मनी इन द फ्यूचर है, पैसा फ्यूचर में बनता है, यहां पैसा अभी ऑन द स्पॉट एड लिख के फौरन बन रहा है, सेल्स पेज लिख के बन रहा है, ईमेल लिख के बन रहा है, लिस्टिंग लिख के बन रही है। क्यों? दिस इज वाई कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस इज वाई पीपल आर पेड वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी व्हेन दे आर गुड एट कॉपी राइटिंग ओवरऑल इन द वर्ल्ड। सो क्योंकि पैसा बन रहा है ना। देखो ना, अगर आप मेरे बिजनेस में आते हो, मुझे कुछ लिख के देते हो, एक ईमेल लिख के देते हो, एक एड लिख के देते हो, एक सेल्स पेज लिख के देते हो, और मेरा पैसा बनता है, तो मैं तो आपको पैसा दूंगा। और मोस्टली कॉपी राइटर्स कमीशन पर जॉब करते हैं, दे डोंट वर्क ऑन फिक्स सैलरी। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर, टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग। व्हाट इज टाइप्स ऑफ, कितनी टाइप्स हैं कॉपी राइटिंग? कॉपी राइटिंग की बहुत सी टाइप्स हैं। कितनी हैं उस पर तो हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले हमें पता है कौन सा आता है, ब्रांड कॉपी राइटिंग। ब्रांड कॉपी राइटिंग क्या है? ब्रांड से आपको समझ आ गई होगी कि ब्रांड्स के लिए कॉपी लिखने को ब्रांड कॉपी राइटिंग कहते हैं, मगर ब्रांड कॉपी राइटर्स को पता है दूसरा क्या बोलते हैं, यानी वो सिनोनिम्स होते हैं इंग्लिश में, ऐसी ब्रांड कॉपी राइटिंग का दूसरा नाम क्या है, क्रिएटिव कॉपी राइटर्स। ये कॉपी राइटर्स क्या करते हैं जरा समझे, जो ब्रांड कॉपी राइटिंग करते हैं, दे राइट टू मार्केट देयर ब्रांड, दे आर यूनिक, दे राइट शॉर्ट बट क्रिस्प, जैसे कि लेट्स डू इट, ठीक है, ये दिल मांगे मोर, पेप्सी का जो लोगो है, ठीक है,
बहुत से ऐसे शॉर्ट हैं, फॉर एग्जांपल केएफसी का है फिंगर लिकिंग गुड, मैकडोनल्ड्स का है, तो ये वो शॉर्ट क्रिस्प क्रिएटिव कॉपीराइटर की टैगलाइंस हैं जो कि एक ब्रांड को उसकी अवेयरनेस को बूस्ट करने या किसी पैसे कंपेन को बूस्ट करने के लिए वो यूज करते हैं। और क्रिएटिव इसलिए कहते हैं कि देखो कितना क्रिएटिव है ये, दिल मांगे मोर अब एक टैगलाइन है। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स की टैगलाइन है कि हमारी डिलीवरी 24 हम विंडो टू विंडो डिलीवरी करते हैं, केएफसी का है फिंगर लिकिंग गुड, इस तरह बहुत से नाइकी के हैं। अब ये जो टैगलाइन जो आप देख रहे हैं, दीज आर द वर्क ऑफ ब्रांड कॉपीराइटर्स, वो कॉपीराइटर्स जो ब्रांड कॉपीराइटिंग करते हैं ये उनका काम है। दे मस्ट बी क्रिएटिव, क्यों? क्योंकि आपके पास 3-4-5 वर्ड्स होते हैं, 6 वर्ड्स होते हैं, उसमें आपने खेलना होता है। यू हैव टू बी यूनिक, यू हैव टू बी समथिंग जो कि आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहा है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड क्रिएटिव कॉपीराइटर इज इक्वल टू ब्रांड कॉपीराइटर्स। दूसरे जो हैं, फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं सोशल मीडिया कॉपीराइटर, ठीक है, या सोशल मीडिया आप और लोग भी डिफरेंट नाम से बोलते हैं, मगर आप बोल सकते हैं सोशल मीडिया कॉपीराइटर। क्या करते हैं सोशल मीडिया कॉपीराइटर जो होते हैं, उनकी जॉब जरा काफी डायरेक्ट रिस्पांस होती है। डायरेक्ट रिस्पांस मीन कुछ लिखना, उससे डायरेक्टली फौरन एक्शन लेना और फिर उसको कैलकुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल यू राइट एड ऑन सोशल मीडिया फॉर फेसबुक कंपेन, आप एड लिख रहे हो तो एड आपने इसलिए लिखना है कि पीपल शुड क्लिक ऑन इट। So, यहां एक थोड़ा सा एसेंस आता है एक टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटिंग। क्या सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग कहलाई जा सकती है डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटिंग? यस, कहलाई जा सकती है। बट क्यों? अच्छा, डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटर जो हम आगे चल के करेंगे, क्योंकि देखो आप कुछ लिख रहे हो, कुछ करवाने के लिए ऑन द स्पॉट क्विकली ठीक है क्लिक करवा रहे हो, और फिर क्लिक को फिर आप लोग एनालाइज भी कर रहे हो कि इस कॉपी से इतने क्लिक आए, इस एड से कितने क्लिक आए, इस एड की कन्वर्जन कितनी है। सो सोशल मीडिया कॉपीराइटर जो होते हैं उनकी जॉब जो है वो बहुत डायरेक्ट होती है, एक अप्रोच होती है उनकी टू मेक यूजर क्लिक, टू मेक यूजर व्यू, इंगेज, कमेंट, शेयर, लाइक, सिटी, आप कुछ भी कॉल टू एक्शन आप कुछ भी रख सकते हैं, बट सोशल मीडिया कॉपीराइटर की ये एक जॉब है। अब आ जाते हैं तीसरा, डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटर। डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटिंग क्या है? डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कॉपीराइटिंग विद इन द कॉपीराइटिंग ये कैटेगरी है। जो क्यों? देखो डायरेक्ट रिस्पांस से आपको समझ आ रहा होगा, व्हेन यू राइट समथिंग यू एम फॉर समथिंग एंड यू वांट दैट स्पेसिफिक रिजल्ट। लेट्स अस्यूम यू आर राइटिंग अ सेल्स पेज, सेल्स पेज डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटिंग में आता है। ईमेल मार्केटिंग डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटिंग में आती है। आपका एड लिखना डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटिंग में आता है, क्योंकि ये तीन बड़ी कैटेगरी है कॉपीराइटिंग की, जिसमें आप लिखते हो और आप बेचने के लिए लिखते हो, यू ट्राई टू सेल ऑन द स्पॉट। एंड दैट्स व्हाई जो डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटर होते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कॉपीराइटर्स इन दुनिया में होते हैं। इनमें बहुत से अच्छे कॉपीराइटर्स गुजरे हैं जो कि दे आर पेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर टू राइट जस्ट वन सेल्स पेज, जस्ट वन। इमेजिन 2,000, 2,500 या 3,000 या 5,000 का एक सेल्स पेज वो लिखते हैं एंड दे आर पेड मिलियंस ऑफ डॉलर, फिक्स अमाउंट प्लस द कमीशन, वो 10% भी हो सकता है, 15% इन एवरी सेल दे गेट। इमेजिन हाउ मच मनी, कितना पैसा बना सकते हैं अगर आप कॉपीराइटिंग सीखते हैं और फिर उसमें डायरेक्ट कॉपीराइटिंग सीखते हैं। चौथा, टेक्निकल कॉपीराइटिंग। अच्छा, टेक्निकल कॉपीराइटिंग, टेक्निकल आपको समझ आ जाएगा कि टेक्निकल इज अ टर्म जो कि बड़ी रोबोटिक साउंड करती है। टेक्निकल कॉपीराइटिंग मोस्टली वो कॉपीराइटर्स होते हैं जो कि मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स की कॉपीराइटिंग करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं जो कि हार्डवेयर से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर्स, फ्रिज, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े एसी यूनिट्स, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियोस। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग। क्यों? टेक्निकल कॉपीराइटर्स के पास स्पेस बहुत कम होती है इमोशन एंड फीलिंग डालने की, क्योंकि देखो अब प्रिंटर की, अगर एक प्रिंटर एक प्रोडक्ट है एचपी का, आप उसके लिए कुछ कॉपी लिख रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि यार लड़की आई उसने कॉपी निकाली और उसको मजा आ रहा है कॉपी निकालने। नो, यू हैव टू बी मोर फीचर ओरिएंटेड एंड बेनिफिट ओरिएंटेड। यू आपके पास चांस बहुत कम होता है इमोशन, आपके पास चांस बहुत कम होता है फीलिंग डालने का। दैट्स व्हाई टेक्निकल कॉपीराइटिंग
मोस्टली लोग इसको कहते हैं वन ऑफ द बोरिंग कॉपीराइटिंग, बट ये मैं नहीं मानता। मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कॉपीराइटिंग, क्योंकि जो कोई नहीं कर रहा होता अगर आप वो करें यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा, ईमेल कॉपीराइटिंग, इमेजिन ईमेल कॉपीराइटिंग। आपने सुना होगा गोरे मिलियनेयर होते हैं, एक एक दिन में मिलियन बना लेते हैं। हाउ, यू नो हाउ? थ्रू ईमेल कॉपीराइटिंग। क्यों? क्योंकि देखो, ईमेल लिस्ट अगर आपकी डेवलप होती है, अज्यूम करते हैं यू हैव अ लिस्ट ऑफ 1 लाख पीपल, 100,000 लोग हैं आपके पास, और आप लाख लोगों को एक प्रोडक्ट की ईमेल करते हैं जिस पर कोई ऑफर लगी है, या आप उनको फर्स्ट ईमेल करते हैं टू बाय समथिंग। इमेजिन आपके पास लिस्ट है लाख लोगों की, एक ईमेल कॉपीराइटर आता है और एक कॉपी लिखता है और प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है उन लाख लोगों को। जैसे वो सेंड करता है उसके बाद वो चला जाता है, सो जाता है। अब जब वो सुबह उठता है तो उसके अकाउंट में 5 या 2 या 3 मिलियन आए होते हैं। हाउ? अगर वो एक अच्छी कॉपी लिखता है, एक ईमेल कॉपीराइटर, एंड दे कन्वर्ट 10 to 15 या 20%। इमेजिन लाख का अगर हम 20% लें तो हो गए 20,000 लोग, और अगर $1,000 फॉर एग्जांपल आप करें, हम कम से कम लेते हैं, तो कितने हो गए? $20,000। सो अगर एक लीड आपको पे करिए $2,000 तो कितने हो गए? $40,000। सो हमें एक कैलकुलेशन करें। इमेजिन इफ यू राइट गुड ईमेल्स, इफेक्टिव ईमेल्स, परसुएसिव ईमेल्स, एंड यू गेट अ जॉब जहां आप कमीशन बेस पे आपको कर रहा है कस्टमर, और आप अपनी ईमेल्स के थ्रू लीड्स कन्वर्ट कर रहे हो या आप लीड्स ला रहे हो, आपका क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा है, आपकी कॉपी बहुत अच्छी है, यू कैन बी अ मिलियनेयर, डॉलर मिलियनेयर इन 1 डे, इन 1 आवर, इन 2 आवर्स। इमेजिन दिस इज द पावर ऑफ ईमेल कॉपीराइटिंग। छठी टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग जिसको हम कहते हैं एसईओ कॉपीराइटिंग। एसईओ कॉपीराइटिंग हम क्यों करते हैं? एसईओ कॉपीराइटिंग द रीजन हम करते हैं कि वी राइट इफेक्टिव गुड रीडेबल कॉन्टेंट ताकि हम गूगल में रैंक किया जाए। ये भी बहुत वन ऑफ द हाईएस्ट पेड होते हैं, और इनका फोकस ये होता है कि द वे दे राइट, द वे दे यूज हेडिंग्स, द वे दे यूज प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स, ताकि गूगल में जिस आर्टिकल के अगेंस्ट ये आप लिख रहे हैं, जिस बंदे के, जिस कंपनी के लिए लिख रहे हैं, वो रैंक हाई हो सके। क्या आप ये सीख सकते हैं? द क्वेश्चन इज यस, यू कैन लर्न इट। क्या इसका स्कोप है? यस, इसका स्कोप है, बहुत स्कोप है। बट बिफोर नोइंग एसईओ कॉपीराइटिंग, आपको थोड़े से गूगल्स के रूल्स भी पता होना चाहिए कि आपने कितने कीवर्ड्स यूज करने हैं। दैट्स व्हाई दे आर पेड वेरी हाईली, गुड अमाउंट ऑफ मनी एसईओ कॉपीराइटर्स को दिए जाती है, क्योंकि ये एक वेबसाइट को, एक ब्लॉग्स को, एक प्रोडक्ट को गूगल में रैंक करते हैं। जब गूगल में आपको पता है किसी कीवर्ड के अगेंस्ट आप रैंक करते हैं, आपको ट्रैफिक आती है, फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक। दैट्स हाउ द कंपनी मेक मनी, एंड दे पे ईमेल एसईओ कॉपीराइटर्स वेरी गुड अमाउंट। अब एक क्वेश्चन आता है, कैन कॉपीराइटिंग बी रिप्लेस बाय चैट जीपीटी? क्या चैट जीपीटी कॉपीराइटिंग को रिप्लेस कर सकता है? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खाने ने माँ के खाने की लज्जत को रिप्लेस किया? नहीं। क्या एक कैलकुलेटर ने मैथ्स के टीचर को रिप्लेस किया? नहीं। कॉपीराइटिंग कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी AI, चैट जीपीटी टूल या कोई भी रिपोर्ट। वाई? देखो, मैं आपको एक कॉपी देता हूं, वो कॉपी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉपी लिखता हूं कि मैं अपनी माँ की कब्र पर गया और वहां बैठ के मैं रोया और मैंने कुछ बातें की। अब एक चैट जीपीटी वो इमोशन मेरी माँ के लिए नहीं ला सकेगा, चाहे जितनी भी वो गूगल सर्च से मार ले, चाहे जितने भी वो सर्फिंग करके अच्छे से अच्छे वर्ड उठाए, मगर वो मेरी माँ की फीलिंग्स नहीं ला सकेगा, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है। एट द एंड ऑफ डे दे आर रोबोट, इमोशन जितने भी ले आए दे डोंट ब्रीथ। चैट जीपीटी ब्रीथ नहीं करता, सांस नहीं लेता, उसमें इमोशन नहीं है। सो मेरी माँ के, जो मैं माँ से प्यार करता हूँ, वो चैट जीपीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई कॉपीराइटर्स कांट बी रिप्लेस विद चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल। क्यों? वन रीजन, इमोशंस। कॉपीराइटर्स आर फुल ऑफ इमोशन, दे पुट इमोशन, दे सेल ऑन इमोशन, दे सेल ऑन पेन, दे सेल ऑन बेनिफिट्स। बेनिफिट्स तो डाल सकता है चैट जीपीटी, मगर इमोशंस नहीं ला सकता। यस, यहां तो क्वेश्चन आता है कि कैन दे हेल्प कॉपीराइटर्स? यस, चैट जीपीटी हेल्प कर सकती है, बट द मोर यू राइट विद योर हैंड, जितना हाथ से लिखा हुआ, सोच के लिखा, इमोशन डालते हुए
अब मैं जा रहा हूं, मैं अब कॉपी लिखता हूं कि मैं अपनी माँ की कब्र पर गया एंड व्हाट एंड हाउ डिड आई फील. कैन चैट जीपीटी इमोशंस और ये वो चीजें डाल सकता है जो मैं अब जब अपनी माँ की कब्र को विजिट करूं? नो, चैट जीपीटी और एनी अदर एआई टूल इन द वर्ल्ड कांट डू इट. सो दिस इज अ स्किल जो कि कयामत तक चलेगी. क्यों? कब्र में भी चलेगी. यू विल स्पीक, आप अपने अल्लाह से बात करोगे, बोलोगे, माफी मांगोगे. सो ये स्किल कयामत तक चलेगी. कॉपी राइटिंग स्किल विल बी टिल जजमेंट डे, इवन इन हेल एंड हेवन. चलना तो दोजख में भी चलेगी, क्योंकि आप बोल रहे हो. कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कांट बी स्टॉप, कांट बी रिप्लेस. अब पांचवा पॉइंट, स्कोप ऑफ कॉपी राइटिंग. हर इंसान जब कुछ सीखता है तो कहता है, या कोई कहीं यूनिवर्सिटी में इवन आप एडमिशन लेते हैं, आप ये पूछते हैं इस डिग्री का क्या स्कोप है, स्किल का क्या स्कोप है. कैन आई मेक मनी विद इट? यू कांट मेक मनी विद इट. यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री विद कॉपी राइटिंग. स्कोप क्या है? देखो, जब भी मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ और जब भी मेरे पास कोई कंपनीज आती हैं, मैं उनको ट्रेन करता हूँ, या वो मुझसे कहती हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए, ये स्किल सीखनी चाहिए, ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूँ, आंसर माय वन क्वेश्चन, इज दिस स्किल बी इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स इन नेक्स्ट 10 years? इफ द आंसर इज नो, देन आपको वो चीज़ नहीं सीखनी. इफ द आंसर इज यस और मे बी, यू शुड गो फॉर इट. बट मैं एक्सप्लेन करूंगा स्कोप क्या है. ये ऐसी स्किल है जहां मैंने पीछे एक्सप्लेन किया आपको कि चैट जीपीटी जो है वो रिप्लेस क्यों नहीं कर सकती. इज बिकॉज ऑफ इमोशन. कॉपी राइटर्स आर इमोशन बींग्स. दे राइट विद देयर इमोशन, दे राइट विद देयर हार्ट मोर देन देयर माइंड, नॉट विद सर्चेस. सो स्कोप, ये जो स्किल है, ये टिल जजमेंट डे चलेगी. इफ यू लर्न इट एंड यू प्रैक्टिस इट, और आप सीखते हो और किसी अच्छे कॉपी राइटर से सीखते हो जो कि आप कुछ कर चुका है, कोई पैसा बना चुका है, लाइक मी, यू कैन डू वंडर्स इन इट, वंडर्स. अब आ जाते हैं छठा पॉइंट, हाउ टू मेक मनी विद कॉपीराइटिंग एंड वेयर टू मेक मनी विद कॉपीराइटिंग. कहां कैसे पैसा बनाया जा सकता है? देखो, अगर आप कॉपीराइटिंग सीखते हो, सो यू हैव 3 बिग प्लेटफॉर्म्स जहां आप पैसा बना सकते हो. सबसे पहले अपवर्क, दूसरा है लिंक्डइन, तीसरा है फाइवर. आप जाओ, अपनी गिग बनाओ, आप टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग में से जो भी आपको पसंद आता है, चाहे आप ईमेल कॉपीराइटिंग करते हो, चाहे आप डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटिंग पसंद करते हो, एसईओ कॉपीराइटिंग, सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग, ब्रांड कॉपीराइटिंग, टेक्निकल कॉपीराइटिंग, कोई भी स्किल आप कॉपीराइटिंग कैटेगरी कॉपीराइटिंग के अंदर चूज करते हो, जाओ उसकी अपवर्क पर, आप उसकी जॉब सर्च करो, आप लिंक्डइन पर सर्च करो, पिच करो लोगों को, आप फाइवर्स पर गिग्स बनाओ एंड यू स्टार्ट मेकिंग मनी. सो एक कॉपीराइटर एक अच्छा प्रपोजल भी लिख सकता है. दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कॉपीराइटर बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉपीराइटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू लर्न कॉपीराइटिंग, यू कैन राइट इफेक्टिव अपवर्क प्रपोजल्स. विद द हेल्प ऑफ दैट, आप एक अच्छा प्रपोजल लिख सकते हैं और आपकी कनेक्ट्स और आपको व्यूज आएंगे. कनेक्ट्स जाया नहीं होंगे और आपको व्यूज आएंगे. दैट्स द पावर ऑफ कॉपीराइटिंग. और मैं आपको एक बात बताऊं कि वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कॉपीराइटर इन पाकिस्तान एंड इन वर्ल्ड एज वेल, क्योंकि मेरा अगर आप अपवर्क पर रेट चेक करो, इट्स $247 पर आवर. किसी का भी दुनिया में इतना रेट नहीं है. हैं, कम है, बट पाकिस्तान में तो किसी का नहीं है. और मैं वाहिद बंदा हूं जिसने अपवर्क पर विद द हेल्प ऑफ कॉपीराइटिंग सबसे कम जॉब्स में, ऑलमोस्ट 43 जॉब्स में, ऑलमोस्ट 700K टच किया. ऑलमोस्ट 700K, इमेजिन, इतनी कम जॉब में इतना ज्यादा और इतने अच्छे 247 आवली रेट को टच किया है ऑन अपवर्क. कहोगे कि यार हम तो नहीं कर सकते ये, हम कैसे करें? आपके पास ऑप्शंस थे, आपके पास टीचर्स थे, आपके दौर अच्छा था, अब सिचुएशन है, और अब हम सीखेंगे तो हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल बिगनर हैं, हमारी इंग्लिश बेहतर नहीं है. देखो, इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है कॉपीराइटिंग से. आपको जस्ट थोड़ी बहुत सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए. अगर इंग्लिश का लेना देना होता ना, तो सारे चाइनीज जो है ना दुनिया में अपना माल ना बेच सकते. बिना इंग्लिश के, बिना लैंग्वेज बैरियर के, वो चाइनीज में अपना गोरों को माल बेचते हैं. दे डोंट लव इंग्लिश एंड दे डोंट इवन स्पीक इंग्लिश, बट दे सेल प्रोडक्ट्स टू ओवरऑल वर्ल्ड. चाइना वाले क्या बोल सकते हैं कि हम कैसे बेचें, हमें तो इंग्लिश नहीं आती. इवन यू कैन डू इट. दैट्स व्हाई, पता है, मैं आपके लिए एक बोनस लाया हूं. वो बोनस क्या है, गौर से सुनो. अगर आप कॉपीराइटिंग सीखना चाहते हैं और मिलियनेयर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और 9 to 5 जॉब कट करते हैं, तो हमारा 4 मंथ का प्रोग्राम है जिसका नाम है डंडे वाली ट्रेनिंग, कॉपीराइटिंग ट्रेनिंग. ये डंडे वाली ट्रेनिंग कॉपीराइटिंग की ट्रेनिंग है, जहां हर वीक एक सेशन होगा, 1 घंटे का, लाइफ टाइम सपोर्ट है.
आपको सैंपल्स मिलेंगे, आपको विनिंग कॉपीज मिलेंगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको ए टू जी हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा, आपको कैसे एक अच्छी कॉपी लिखनी है, रिवाइज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, लाइव सेशंस होंगे, व्हाट्सएप सपोर्ट होगी, एवरीथिंग आपको बूस्ट करने के लिए, आपको आगे करने के लिए। ढंडे वाली ट्रेनिंग जो कि कॉपीराइटिंग की ट्रेनिंग है, 4 मंथ्स की ट्रेनिंग है, ईच वीक एक सेशन, वो भी लाइव। क्वेश्चन ये आता है कि यार अमाउंट क्या होगी जो इन्वेस्ट करनी होगी, यानी अमाउंट इस ट्रेनिंग में आने के लिए कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। मगर उस चीज की फिक्र ना करें, क्यों? क्योंकि मैंने 33% डिस्काउंट लगाया हुआ है इस ढंडे वाली ट्रेनिंग, कॉपीराइटिंग ट्रेनिंग पर। पहली जून तक 33% मैंने डिस्काउंट लगाया है, यानी 33% बहुत ज्यादा होता है, इज ऑलमोस्ट नियर टू हाफ। इमेजिन, आप अगर कॉपीराइटिंग सीखना चाहते हो, यही आपके लिए मौका है। पहली जून तक 33% लिमिटेड लोगों के लिए मैंने लगाया है। 5 जून को हमारा बैच स्टार्ट होगा, डंडे वाली ट्रेनिंग कॉपीराइटिंग का बैच, और आप इसमें इनरोल करो और कॉपीराइटिंग सीखो और मिलियनेयर बनो, ठीक है, पैसा बनाओ, अपनी लाइफ बेहतर करो, माँ बाप की लाइफ बेहतर करो, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो, बाहर फिरो, इंजॉय करो, लिव योर लाइफ, ठीक है, नॉट 9 to 5 में फंसे रहो, आगे भी निकलो। इसीलिए इफ यू वॉन्ट ऑल दिस, अगर आपको ये सब चाहिए, दिस डंडे वाली ट्रेनिंग कॉपी राइटिंग प्रोग्राम इज फॉर यू। इनरोल करो, 33% डिस्काउंट आपको मिलेगा पहली जून तक। 5 जून को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जून बैच। सी यू ऑन अदर साइड ऑफ सक्सेस। इंशाल्लाह आप भी एक अच्छे कॉपी राइटर बन सकते हो।